सपा की लोकसभा प्रत्याशी काजल निस्तार को आया हार्ट अटैक, लखनऊ में दांता में चल रहा इलाज। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। फ्रैक्चर पैर से व्हीलचेयर पर कर रही थी प्रचार, गोरखपुर लोकसभा सीट से सपा की प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को रविवार रात दिल का दौरा पड़ा। गंभीर हालत में देर रात लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ देर में अस्पताल हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा। दरअसल 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान 41 साल की काजल को सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हुई थी, कि तुरंत बाद समर्थकों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। तब से उनका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। काजल के पति संजय निषाद ने बताया कि रविवार की देर शाम करीब 9:45 उन्हें हार्ट अटैक आया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। करीब 9:15 काजल के परिजन और समर्थक उन्हें लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। व्हीलचेयर वॉकर के सहारे कर रही थी प्रचार। बता दें कि सपा ने काजल को गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। तब से वह लगातार चुनाव मैदान में मतदाताओं के बीच अपना जनसंपर्क अभियान चला रही थी। हालांकि इस बीच उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, वह व्हीलचेयर और वॉकर के सहारे चल रही थी। 2 विधानसभा और 1 निकाय चुनाव हार चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में काजल निषाद कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ी थी पर हार गई। फरवरी 2012 में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता राम भुआल निषाद और उनके समर्थकों पर FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि टक्करखोर में चुनाव प्रचार के दौरान राम भुआल और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला करवाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को कैपियरगंज विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। हालांकि इस दौरान भी काजल को भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2023 में हुए निकाय चुनावों में भी सपा ने उन्हें गोरखपुर महापौर के पद पर मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से कड़ी टक्कर के बाद वे इस बार भी चुनाव हार गईं। 7 अगस्त 2021 को काजल निषाद को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। काजल करीब 1000 समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुई थी। तभी से काजल लगातार राजनीति में एक्टिव हैं। वे अखिलेश यादव के संपर्क में रहने के साथ ही हर बड़े मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। काजल की फिल्मों से राजनीति तक की यात्रा भी फिल्मी। 41 साल की काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था। 12वीं तक पढ़ी काजल करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने फिल्मों और टीवी शो में काम किया। साल 2009 में उन्होंने लापता गंज शो में चमेली के रोल से करियर की शुरुआत की है। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह थी। काजल के फिल्मी सफर की बात करें तो वे तोता वेड्स मैना में राम कटोरी चाची की भूमिका से दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कलर्स के शो इश्क का रंग सफेद में कनक त्रिपाठी का किरदार भी बखूबी निभाया। इसी दौरान काजल की मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर संजय निषाद से हुई और दोनों ने शादी कर ली। संजय गोरखपुर के भौवा पार के रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।